मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है, मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली थ्रोट कैंसर कैसे फील होता है, पेशेंट को क्या एग्जैक्टली क्या फीलिंग आती है और पेशेंट के मन में कब संकोच होना चाहिए कि मुझे या मेरे हाथ में या मेरे मन में ऐसा सिम्टम दिख रहा है तो क्या मुझे थ्रोट कैंसर तो नहीं है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब अर्ली स्टेज में थ्रोट कैंसर होता है ना, तो आपको एक फीलिंग जो है, आप जब भी खाना खाओगे तो एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगेगा, यानी वो खाना थोड़ा सा अटक के नीचे जाएगा, खाना खाने में दिक्कत होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है। सेकेंडली, कुछ पेशेंट्स को हर समय का खराश रहता है गले में ऐसा करके, और जब नाम बोलते हैं तो उनका जो वॉइस है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धीमा कभी ऊपर, ये वाली फीलिंग है, मेरा नाम अमित है। तो ये जब आपके आवाज़ के टोन में चेंज होता है और जब समझ में आ रहा है आपको क्या ये मेरा आवाज़ नॉर्मल नहीं है, तो ये डेफिनेटली एबनॉर्मल फीलिंग है। तीसरा, कुछ पेशेंट जो लेट हो जाते हैं, ये दोनों सिम्टम को अवॉइड करते हैं, तो वो जब भी अपने गले में हाथ ऐसा लगाते हैं तो उनको यहाँ पे गाँठ जैसा लगता है, कड़क कड़क। आपको पोटैटो या आलू कैसा लगता है एकदम टाइट, उसी प्रकार का ऐसा सिम्टम दिखे तो 100% समझना कुछ तो तकलीफ है। अब कुछ पेशेंट्स में ये तीनों सिम्टम एकदम अर्ली स्टेज में होता है, लेकिन गले के बाजू में बड़े बड़े लिम्फ नोड्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गोले बेबी पोटैटो जैसे। आप ऐसा हाथ घुमाओगे तो आपको लगेंगे अरे ये तो गांठ कुछ नहीं था, अभी आ गया 10-15 दिन में, क्या है ये सडनली मेरा आवाज़ में थोड़ा बदलाव हुआ उसके बाद ये गांठ दिख रहा है, क्या ये कैंसर तो नहीं है? डेफिनेटली ये कैंसर हो सकता है, तो आपको इसके लिए जाँच कराना है। आपको घबराना नहीं है, इफ़ यू फाइट कैंसर ब्रेवली देन यू आर अ फाइटर एंड अ विनर एंड अ कैंसर सर्वाइवर। बट जब आप टेंशन लेते हो, आप अपने घर से किसी को रिवील नहीं करते हो, तो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर आ जाएंगी। ये जो 5 फीलिंग्स को हमने आज डिस्क्राइब किया है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट 5 फीलिंग्स फॉर थ्रोट कैंसर। इसमें से कोई भी एक लक्षण या सिम्टम या फीलिंग आपके मन में आ रहा है तो आप इमीडिएटली थ्रोट कैंसर स्पेशलिस्ट या कैंसर सर्जन से मिलिए। आपको टेंशन होगा तो आप उनसे कंसल्ट करके आपका स्कैनिंग करवाइए, और जब उन्होंने आगे का कोई इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी एडवाइस किया तो डेफिनेटली फॉलो करिए। आपके जब सब रिपोर्ट्स आ गए लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा या आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो, आप मेरे टीम के पास रिपोर्ट भेज दीजिए, हम आपको 4-5 डेज में रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन आप ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए, आपने जब ये स्टेज पे इग्नोर किया तो बीमारी आपके पूरे शरीर में फैल जाएगी और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। थ्रोट कैंसर एब्सोल्युटली ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, आप हम 100% इसे फाइट करके जंग जीत सकते हैं, लेकिन ये जंग तभी जीत पाएंगे जब आप मेरे जैसे कैंसर सर्जन के पास राइट टाइम पे पहुँचोगे। तो ये फीलिंग्स को आप कंसिडर करिए, आपके या घर में या आपको खुद को जब इसमें से कोई भी एक टाइप का फीलिंग सेंसेशन हो रहा है तो डेफिनेटली कंसल्ट करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हेड नेक कैंसर के बारे में सभी अपडेट्स मिलेंगे, आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।